अबू ने बहुत प्यार से बुलाया, हम कुछ दिनों के लिए उनके पास चले जाते हैं। हम उनसे मिलने चले जाएंगे लेकिन वापस आ जाएंगे, वहां रुकना मुनासिब नहीं है। कुछ ही दिनों की तो बात है फवाद। जेबू समझने की कोशिश करो, सिकंदर खालू के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं है जो होने चाहिए, इसी वजह से हम उनके घर जाके नहीं रुक सकते। तो मैं चली जाती हूँ। क्या मतलब? मुझे छोड़ के और मैं यहाँ क्या करूंगा? सुभाग, वो मेरे अब्बू हैं, बीमार हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई जेबो, हम उनसे मिलने जा तो रहे। वादी, तुम क्या कह रहे हो? मेरी अपनी भी तो कोई मर्जी है ना, मैंने हमेशा इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब अगर अपने बीमार बाप के घर कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ तो उसमें तुम्हें एतराज क्यों है? क्या हो जाएगा अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चले जाओगे? मैंने तुम्हारी हर बात मानी है फवाद, और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? सेबू, मुझे तुमसे इस मामले में कोई बहस नहीं करनी। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हें छोड़ भी आऊंगा लेकिन मैं वहां जाके नहीं रुकूंगा। मेरे अब्बू की बीमारी का तो ख्याल कर लेते फवाद। सेबू, मुझे उनकी बीमारी का ख्याल है लेकिन मैं उनके घर जाके नहीं रह सकता। बात उनके घर रहने की नहीं थी फवाद, ये मेरी खुशी का सवाल था। बच्चों वाली बातें कर रही हो, तुम जानती हो तुम्हारी खुशी मेरे लिए कितनी अहम है। मेरी नापसंद और पसंद के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, मेरा ख्याल होना चाहिए तुम्हें। मैं तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती हूँ फवाद, काश इस दफा तुम मेरी खुशी का ख्याल कर लेते। जेबो